Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss the mock and analysis strategy for Tier 1 SSC, CGL, CHSL और बाकी SSC exams के लिए. अपने exam में अच्छा perform करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है mocks में अच्छा perform करना और धीरे धीरे mocks में अपनी गलतियों को analyze करके उन पर work करना. तो यही हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि मॉक्स को कब अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है और क्या पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए मॉक को एनालाइज करने के लिए और उनका बेस्ट यूज़ करने के लिए अपना स्कोर बढ़ाने में. सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट अस बिगिन द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी हैव टू अटेम्प्ट मॉक्स ऑफ 2 to 3 डिफरेंट टेस्ट सीरीज. मिनिमम 2 यू शुड अप्लाई फॉर बिकॉज इफ़ यू विल रिलाई ओनली ऑन 1 टेस्ट सीरीज देन आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे और उस टेस्ट सीरीज में ज़्यादातर जैसे क्वेश्चंस होते हैं आप उसी की प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे और एग्जाम उससे अलग आ जाएगा देन यू विल बी इन अ ट्रबल बिकॉज यू हैव ओनली प्रैक्टिस्ड 1 टाइप ऑफ और 1 फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस. तो 2-3 अलग अलग टेस्ट सीरीज के टेस्ट ट्राई करिए और कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, कौन सी आपको लेनी चाहिए, इस पर भी मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस की वीडियो बनाई थी जो मैं यहाँ पिन कर दूंगी. सो इस वीडियो के बाद आप वो भी चेक कर सकते हैं. नाउ कमिंग बैक, कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल करते हैं और उसको अटेम्प्ट करते हैं. तो इस अकॉर्डिंग जितने भी सभी प्लेटफॉर्म्स के जो भी फ्री टेस्ट होते हैं वो ज़रूर देना चाहिए बिकॉज एक तो वो उस प्लेटफॉर्म के बेस्ट होते हैं बिकॉज हर प्लेटफॉर्म चाहेगा कि उनका फ्री टेस्ट बहुत अच्छा हो तभी स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे और बहुत से बच्चे उसमें एनरोल करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं. तो आपको एक ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो भीड़ में. सो अटेम्प्ट मॉक्स ऑफ मेनी टेस्ट सीरीज. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज टू अटेम्प्ट मॉक इन द सेम टाइम स्लॉट एज दैट ऑफ योर एग्जाम. तो अभी हमें अपने एग्जाम का टाइम शायद ना पता हो बट जब हमारा स्टेटस रिलीज हो जाता है, एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है तब हमें अपना स्लॉट पता चल जाता है. फॉर एग्जाम्पल 10 से 12 है या 2 से 4 या 3 से 5 जो भी आपका टाइम है एग्जाम का आप उसी स्लॉट में अपना एग्जाम दीजिए बिकॉज उसी टाइम पे आपका माइंड हैबिचुअल हो जाएगा एग्जाम देने का और कोशिश करिए कि बिल्कुल वैसे ही आप उसको कंसिडर करें जैसे आप रियल एग्जाम को कंसिडर करेंगे. नाउ द थर्ड पॉइंट इज फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट. अभी से आप एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है और कौन सा बाद में. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जनरल अवेयरनेस में कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपके ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं और आप उसी से शुरू करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम के स्टार्ट में ही डाउन हो सकता है क्योंकि आपने इतने सारे अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए हैं या आपको नहीं आते. तो आप उसको लास्ट में कर सकते हैं. अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, उसमें कॉन्फिडेंस है तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, वो आपका फोर्टे है, तो आप उससे स्टार्ट करिए और उसके बाद कौन से सेक्शन पे आपको जाना है और उसके बाद कौन से, ये आप अभी से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए और धीरे धीरे इसको फिक्स कर लीजिए और फिर उसी फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट में अपने सभी मॉक्स दीजिए और एग्जाम में भी उसी ऑर्डर को फॉलो करिए. दिस विल बी रियली हेल्पफुल. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज टाइम डिवीजन. तो हमें 60 मिनट्स में से 5 मिनट्स बफर टाइम रखना चाहिए फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस इन योर एक्चुअल एग्जाम. क्या पता आपका कीबोर्ड बीच में मिसफंक्शन हो जाए या माउस या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या गॉड फॉरबिड कुछ भी आपकी तबीयत खराब हो जाए. सो यू शुड ऑलवेज कीप 5 मिनट्स बफर टाइम. सो 55 मिनट्स में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सभी 100 क्वेश्चंस पे गो थ्रू आप कर लो. तो जैसा कि यहाँ पर मैंने एक आइडिया दिया है कि रीजनिंग को आप 15 मिनट्स दे सकते हो, जनरल अवेयरनेस को 5 मिनट्स, मैथ्स को 25 मिनट्स, इंग्लिश को 10 मिनट्स, तो ये टोटल आपके 55 मिनट्स हो गए. नाउ आई एम नॉट सेइंग यू टू स्टिक टू दिस टाइम लिमिट. आप अपने अकॉर्डिंग इसमें 2-3 मिनट्स प्लस माइनस कर सकते हो. अगर आप जनरल अवेयरनेस 4 मिनट में या 3 मिनट में ही ख़त्म कर देते हो, आपको मैथ्स में ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप उसको प्लस माइनस कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम डिवीजन सेट कर लीजिए एंड कोशिश करिए कि आप उतने टाइम में ही अपने एग्जाम को कंप्लीट करें. और इस टाइम लिमिट को और ज़्यादा इसको परफेक्ट करने के लिए आप सेक्शनल टेस्ट्स भी दे सकते हो. जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सेक्शनल क्विजेज होते हैं उनसे आप इसी टाइम लिमिट में करने की प्रैक्टिस कर सकते हो. तो आपने बहुत से इंटरव्यूज और टॉपर्स की स्ट्रैटेजी वीडियोस में सुना होगा अबाउट द आर्ट ऑफ स्किपिंग, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें. सो मैं भी आपको एक तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप इसको एक्चुअली पेपर में एग्जीक्यूट कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस. पहले विच यू 100% नो, जो आपको ईजी लगते हैं, जिनके आंसर आप सॉल्व कर सकते हो. सेकेंड कैटेगरी जो आपको लगता है या तो आपको टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में या फिर शायद आंसर ना आए या फिर आप एक बार कर चुके हो और आंसर नहीं आया और एनीथिंग यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट क्वेश्चन. नाउ थर्ड कैटेगरी जो आपको बिल्कुल नहीं आते, जैसे कई बार जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस हमें कोई आइडिया नहीं होता कि उनका आंसर क्या होगा, तो वो थर्ड कैटेगरी.
So what we have to do is that we do not have to attempt the entire paper in one go. हमें एक या दो phases में या शायद तीन phases में paper को ख़त्म करना है. So when you are attempting the paper for the first time in the first go, you have to answer all the questions that you are 100% sure of. The ones that you can do easily and you can mark the answer. You have to answer those and move to the next question. What we have to do is जो questions हमें नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, हमें उनको ना आंसर करना है और ना ही मार्क फॉर रिव्यू करना है. बट जो क्वेश्चंस जिनमें हम श्योर नहीं हैं, फॉर एग्जांपल द वंस विच आर टेकिंग यू मोर टाइम टू सॉल्व, और द वंस जिनका आंसर आपको लग रहा है कि अभी नहीं आ रहा बट इफ़ यू विल ट्राई मोर देन यू विल बी एबल टू मार्क द आंसर, दोज यू हैव टू मार्क फॉर रिव्यू. सो इन द फर्स्ट गो यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस यू आर 100% श्योर ऑफ एंड डू नॉट नीड टू गो बैक एंड चेक. Now, in the second go, you will do all the marked for review questions because those were the ones you thought that you might answer if you get more time. So, in the second go, you will do all the marked for review questions. Now, if and after those are done, then you will go and check all the questions which you have left unattempted and not even marked because those were the ones which you had no idea of. Now you have to attempt those only if you are left with some time. So this is how you will be able to attempt maximum questions and with the least chances of marking the wrong answer. I hope you liked this art of skipping method. Now before moving on to the next segment of the video, which is how to analyze the paper to get the maximum benefit out of it, I would like to tell you all about the offer which is going on Unacademy right now, which will help you get the latest batches at the least possible price. So as you can see, this is the mega subscription offer. So according to this, if you get 1 year subscription, you get 4 additional months free, and if you get 2 year subscription, you get 6 additional months free. Here is a list of all the offers going on right now. A bumper discount offer for SSC and Railways. You get a CET preparation offer जिसमें bank और SSC दोनों combined है. And the ultimate government exams offer, bank, SSC, RBI, Railways. So as you can see, Unacademy पर 9th June से latest batches start हो रहे हैं for SSC exams. तो SSC, CGL और CHSL 2021 exams के लिए Team Phoenix batch start हुआ है, जिसका duration है 9 months. तो 9 months में आपका full coverage होगा चारों sections का. इसी के साथ एक और बैच स्टार्ट हुआ है, सफलता बैच, जो कि हिंदी में पढ़ाया जाएगा और इसका ड्यूरेशन होगा फुल ईयर. और अगर आप अपने एसएससी सीजीएल 2020 के लिए पूरा रिवीजन करना चाहते हैं, आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं बट यू वांट टू डू रिवीजन, तो उसके लिए रिवीजन बैच स्टार्ट हुआ है. एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एक स्पेसिफिक बैच है, एमटीएस 2020 के लिए स्पेसिफिक बैच, स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए और एसएससी सीपीओ के लिए भी स्पेसिफिक बैच है. और ये सभी बैचेस 9th जून से स्टार्ट हो रहे हैं. So now we come to the second segment of the video, that is how to analyze our paper. First of all, maintain a separate notebook. Yes, it is very beneficial if you will maintain a separate notebook जिसमें आप अपना track record maintain कर सकते हो और उसमें आप अपने errors, कहाँ आप गलत हो रहे हो, remarks भी लिख सकते हो. Analysis should be done on the same day. जिस दिन आपने exam दिया है, ideally it would be right after the exam, after the mock. उसके जस्ट बाद देने से यह फायदा होता है दैट यू रिमेंबर दैट व्हाई डिड यू डू अ सर्टेन क्वेश्चन रॉन्ग, व्हाट अप्रोच डिड यू यूज व्हाइल डूइंग दैट क्वेश्चन. सो दैट इज ऑल फ्रेश इन योर माइंड एंड व्हाइल यू एनालाइज यू नो एग्जैक्टली वेयर यू वेंट रॉन्ग. सो इट शुड बी डन राइट आफ्टर द एग्जाम और ऑन द सेम डे. नेक्स्ट इज टू मेक अ लिस्ट ऑफ द चैप्टर सब्जेक्ट वाइज एंड नोट डाउन द मिस्टेक्स मेड इन द सेम सो दैट यू नो एग्जैक्टली विच टॉपिक्स यू नीड टू वर्क ऑन. For example, you can make a list of all the topics of maths, number system, ratio and proportion, percentage, geometry, mensuration. You can make a list of all the chapters and mocks में जो भी आपकी गलतियाँ हो रही हैं, जो भी errors हो रहे हैं, you can just note it down. For example, अगर आप trigonometry में identity related questions गलत कर रहे हो, then just write it down over there or you can note down the whole question over there. फिर जब आप 10-15 mocks दे दोगे, उसके बाद आपको एक clear idea मिल जाएगा कि आपके कौन से topic हमेशा गलत होते हैं, तो आपको उस पर work करना है और कौन सा टॉपिक है जिसमें आपकी हार्डली एनी मिस्टेक्स हैं. सो यू कैन जस्ट पॉलिश दोज एंड यू डू नॉट नीड टू गिव मोर टाइम टू दैट टॉपिक. सिमिलरली फॉर इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन क्वेश्चंस दैट आर अनअटेम्प्टेड, इनकरेक्ट एंड करेक्ट बट टाइम टेकन. सो जो आपने अटेम्प्ट नहीं करे हैं उनका सही आंसर देखिए कैसे आएगा, आपने क्यों अटेम्प्ट नहीं करा, और जो इनकरेक्ट हुआ वो क्यों इनकरेक्ट हुआ, कि आपको वो आता नहीं था और यू मेड अ सिली मिस्टेक, करेक्ट बट टाइम टेकिंग.
सो अगर आपने कोई क्वेश्चन करेक्ट किया है मतलब आपको आता है, बट टाइम ज़्यादा लगा, और हमारा गोल ये भी है कि हम कम से कम समय में क्वेश्चंस करें. सो व्हाट यू कैन डू फॉर दैट इज़ लुक आउट फॉर मोर अप्रोचेस जिनसे आपको कम टाइम लगे. चेक द सॉल्यूशंस गिवन, समटाइम्स दे प्रोवाइड अ बेटर अप्रोच. तो जो टेस्ट सीरीज होती है वो सॉल्यूशंस भी देते हैं क्वेश्चंस के, उन सॉल्यूशन को चेक करिए. कई बार उसमें आपको बेटर अप्रोच मिल जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने की. और अगर वो वाली अप्रोच आपको लग रहा है कि आपकी अप्रोच से कम अच्छी है या ज़्यादा टाइम ले रही है, तो अपने टीचर्स या अपने फ्रेंड्स से उस क्वेश्चन को पूछ लीजिए कि इसमें क्या करके हम इसको जल्दी कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट इग्नोर द परसेंटाइल. आपके स्कोर के साथ साथ परसेंटाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट परसेंटाइल ही आपको सही आइडिया देती है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. आपके मार्क्स 190 प्लस आ सकते हैं, लेकिन क्या पता वो मॉक ही इतना ईजी हो कि बहुत सारे लोगों के 190 प्लस आए हों और आपकी परसेंटाइल उतनी इंप्रेसिव ना हो, या आपके बहुत कम मार्क्स है आप, बट मे बी दैट मॉक द डिफिकल्टी लेवल वॉज रियली हाई, सो मे बी योर परसेंटाइल इज रियली इंप्रेसिव इन दैट. सो द परसेंटाइल विल गिव यू अ बेटर आइडिया ऑफ वेर यू स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन. सो आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल. इफ यू डिड, प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. दिस इज तुशांगी साइनिंग ऑफ.